Subscribe and click the bell icon to be the first to see the latest videos on my channel. Hey everyone, तो आज है रक्षाबंधन और 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे. तो सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और हैप्पी रक्षाबंधन ऑल्सो. तो आज का ये मेरा डेली ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. नॉर्मली मैं डेली ब्लॉग शेयर नहीं करती, पर ये भी एक छोटा सा ब्लॉग है जो आपके साथ मैं शेयर करूँगी. तो अभी हम लोग जा रहे हैं मोहित के फ्रेंड के घर, जहाँ पर हम काइट फ्लाइंग फेस्टिवल होता है यहाँ पर जम्मू में, पतंग उड़ाते हैं हम रक्षाबंधन पर. तो वहाँ हम जा रहे हैं एंड वहाँ पर जाके हम पार्टी करेंगे. तो बताती हूँ आप लोगों को कि क्या मैं पहन रही हूँ और क्या आगे फर्दर होगा, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी. हो सकता है ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट आए, रक्षाबंधन के दिन ना आकर थोड़ा सा एक दो दिन आगे पीछे आए, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस शेड्यूल्ड पे हैं, आपको पता है ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, उनमें किस तरह की चेंज मैं लाना नहीं चाहती. तो इसको मैं इन बिटवीन कहीं पे फिट करूँगी इस ब्लॉग को. तो लेट्स सी कब आता है. तो ये है टॉप जो मैं अभी पहनूंगी एंड ये है वो जीन्स जो मैं अभी पहनूंगी. तो ये पेस्टल शेड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ग्रेइश काइंड ऑफ है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट शेड लग रही है आपको, ग्रीनिश ग्रे है ये कलर इसका. एंड नॉर्मली मैं इतना जीन्स फ्रेंडली पर्सन नहीं हूँ, मैं नॉर्मली सूट्स ही पहनती हूँ, पर आज पता नहीं क्यों दिल कर रहा है कि मैं जीन्स पहनूँ. तो ये टॉप पहनूँगी मैं इस जीन्स के साथ. तो मिलती हूँ थोड़ी देर में. तो अभी मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है एंड फेस वॉश करते हुए नहीं मैंने दिखाया आपको, क्योंकि फेस तो हम सारे मुझे लगता है एक ही जैसे वॉश करते हैं, जैसे करते हैं सब. तो फेस वॉश करने के लिए मैंने ये वाला यूज़ किया है. फेस वॉश मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये. एंड तो फेस को पैड ड्राई करने के बाद मैं यूज़ करूँगी टोनर. आपको पता है कि गुड वाइब्स का टोनर मुझे कितना पसंद है और टोनर ही यूज़ करूँगी मैं. और इसको कुछ नहीं करना है आपने फेस वॉश करने के बाद, पैड ड्राई करने के बाद आपको इसको स्ट्रेट अवे अपने फेस पे बस लगा देना है ऐसे. तो मैं वेट करूँगी इसके थोड़े से ड्राई होने का. ये अभी गीला है टोनर जो मैंने लगाया है. टोनर को 50% तक हमें ड्राई कर लेना चाहिए और उसके बाद ही क्रीम लगानी चाहिए फेस पे, फेस क्रीम. तो फेस क्रीम जो है वो मैंने गुड वाइब्स की ही मंगवाई है एंड वही मैं फेस क्रीम लगाऊंगी, सनस्क्रीन भी है वो. तो मेरे टोनर के सूख जाने के बाद मैंने गुड वाइब्स का ये जो आपको बताया था सनस्क्रीन मंगाया था, बहुत अच्छा सनस्क्रीन है ये. ये सनस्क्रीन मैंने पी साइज़ अमाउंट में लिया था और इसको सनस्क्रीन को मैंने डॉट डॉट करके फेस पे लगा दिया था. अब यार एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है और एक हाथ से ही ये क्रीम लगा रही हूँ मैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए. बाथरूम में मुझे कोई जगह नहीं मिल रही थी कि मैं फ़ोन कहाँ पर रखूँ, अगर नीचे रखो तो बहुत नीचे हो जाता था, ऊपर रखो तो बहुत ऊपर हो जाता था. तो ये बड़ा मुश्किल था एक हाथ से फ़ोन को पकड़ के ऐसे ये करना. यस, ये जो सनस्क्रीन है ये लगाने के बाद थोड़ी सी वाइट कास्ट देता है फेस पे, वो कोई भी सनस्क्रीन देता है क्योंकि इसमें केओलिन क्ले पड़ी होती है और ये वाइट कास्ट देती है फेस पे. पर ये वाले सनस्क्रीन की बेस्ट चीज़ ये है कि ये कुछ ही टाइम के बाद आपका ये वाइट कास्ट अपने आप चला जाता है और आप बिल्कुल ऐसे नॉर्मल दिखते हो इंसान के जैसे. पर ये है कि फिर मैंने बाद में फ़ोन वहाँ सामने रखा है एंड उसके बाद मैंने ये दोनों हाथों से अच्छी तरह से सनस्क्रीन लगाया फेस पे. एंड क्योंकि आपको पता है मॉनसून चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एंड ह्यूमिडिटी, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ फेस पे सनस्क्रीन के अलावा. अब ये मैंने आईब्रो पेंसिल ली है, आईब्रो पेंसिल भी लगाती नहीं हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर लगाने के पीछे रीज़न ये है कि मैंने आईब्रोज़ नहीं करवाए हैं अपने कुछ 4-5 मंथ से, क्योंकि मॉनसूनस और समर्स में मैं आईब्रोज़ बनवाना अवॉइड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्ने ब्रेकआउट हो जाता है. मॉनसूनस में तो बिल्कुल ही आईब्रोज़ नहीं करवाने चाहिए, एक्ने ब्रेकआउट होता है एकदम से बहुत ज़बरदस्त वाला. तो मेरे साथ भी यही होता है. अब इस आईब्रो के बैक साइड पर ये स्पूली दी हुई है इन्होंने, इसके साथ आप इनको शेप कर सकते हो आईब्रोज़ को. तो ये बेसिकली मैंने हाईलाइट किया है आईब्रोज़ की शेप को और कुछ नहीं, आप देखो तो. अदरवाइज़ ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई हुई थी तो इसलिए मेरे को आईब्रो पेंसिल यूज़ करनी पड़ी थोड़ा सा दिखाने के लिए कि मेरे आईब्रोज सब तरफ नहीं है, सिर्फ यहाँ यहाँ है जहाँ फैले हुए हैं. उसके बाद मैंने ये आईलाइनर लगाया है अपना स्टे क्वर्की का, ये मैंने मंगवाया था, बहुत अच्छा आईलाइनर है. इसकी जो ये जो इसका जो ये है हैंडल बहुत अच्छा है, प्रॉपर ग्रिप रहती है हाथ में इसको पकड़ने में. एंड आईलाइनर लगाने के बाद इसको सूखने देने का टाइम नहीं देना पड़ता, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. एंड बहुत अच्छा आईलाइनर मुझे लगा ये. अदरवाइज़ आपको पता है कि मैं मेबलिन जेल आईलाइनर ही यूज़ करती हूँ, पर ये आईलाइनर मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर मैंने आईलैशेस कलर यूज़ किया है, इससे थोड़ी सी आंखें बड़ी लगती हैं. अब आपको याद हो तो मैंने आपके साथ क्लब फैक्ट्री का शेयर किया था कि मैंने वहाँ से आईलाइनर या आईलैशेस कलर मंगवाया था, पर यार वो मेरा ना टूट गया अभी पीछे हम जब नैनीताल गए थे. तो अब मैं उसको ठीक करूँगी.
अभी उसके बाद फिर मैंने एवॉन की एक आई पेंसिल ली है। एवॉन की बहुत सारी आई पेंसिल्स आती हैं अलग अलग कलर्स में, ये मैंने सारे ही कलर मंगवाए हुए हैं। तो ये एवॉन की मैंने आई पेंसिल ली ब्लू कलर की, क्योंकि मेरी टॉप जो है वो ग्रेइश ग्रीनिश कुछ थी, ग्रेइश ग्रीन, तो मुझे ग्रीन लेनी चाहिए थी पर मैंने उठा ली ब्लू। और अब एक आंख में लगाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मैंने ब्लू उठा ली है और पहले मैंने नहीं देखा था, पर कोई बात नहीं, जाने दो। फिर मैंने इसके ऊपर ग्रीन ऊपर ओवरलैप किया था। तो ये इतनी स्मूथ है पेंसिल और इसमें शिमर पार्टिकल्स हैं, इजिली ग्लाइड हो जाती है एंड स्मज नहीं होती, सबसे अच्छी चीज़ ये है। एंड उसके बाद अब ये बिल्कुल सिंपल सी लुक मैंने क्रिएट की थी। आईलाइनर के ऊपर ही मैंने आई पेंसिल लगाई है, फिर मैंने नीचे आईज़ के वाइट आई पेंसिल यूज़ की आईज़ को बड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि नॉर्मली मैं काजल नहीं लगाती हूँ, इसलिए मैंने आई पेंसिल वाइट कलर की लैक्मे आइकॉनिक की यूज़ की थी ये। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप कोई भी कलर की आई पेंसिल अगर आंखों के ऊपर लगाते हैं तो आपको पहले ब्लैक लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो कलर वाइब्रेंट निकल कर नहीं आता है। तो ये नीचे मैंने ग्रीन से फिनिशिंग दी है थोड़ी सी। अब इतनी मॉनसून में, इतनी गर्मी में मेरा बिल्कुल कॉम करने का मन नहीं करता। एक बार सुबह किया था तो मैंने कॉम नहीं किया, मैंने सीधे ही वैसे ही बाल ओपन किए एंड वैसे ही ये रबर बैंड लगा लिया। ये रबर बैंड भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था अमेज़ॉन से, बहुत अच्छा रबर बैंड है ये, स्पायरल वाले आजकल बहुत चले हैं ये। तो ये वाला रबर बैंड लगा कर घर पर, क्योंकि मैं जूड़ा बना के रखती हूँ तो बाल थोड़े से बेंड हो गए हैं आप देख सकते हैं। तो ये है फाइनल लुक। और मैंने और कुछ नहीं लगाया फेस पे, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा लगाना। अब लिप बाम मेरा ख़त्म हो गया है, ये जो सामने पड़ा था इसी को मैंने रगड़ दिया मुँह के ऊपर। एंड लिक्विड लिपस्टिक प्रेफर करती हूँ लगाना मानसूनस में, क्योंकि वेयर एंड टेयर कम होता है, उतरती नहीं है एंड ज़्यादा भारी नहीं फील होता लिप्स के ऊपर। तो ये लिप बाम स्लाइट सा लगाने के बाद ही लिक्विड लिपस्टिक लगाई जाती है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर आपको वीडियो बता दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि ये क्या किया है और कैसे लगाया है। एंड ये लिक्विड लिपस्टिक जो है ये लगाने के बाद आपको ऐसे 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 इसको मर्ज नहीं करना है जैसे हम दूसरी लिपस्टिक्स को करते हैं, लिप्स को आपस में रगड़ के। तो ये लिक्विड लिपस्टिक जो है यहाँ पे, पता नहीं इसका कलर ऐसा इतना वाइब्रेंट क्यों आ रहा है, शायद रूम में अंदर लाइट में ऐसा आ रहा है, अदरवाइज़ ये इतना वाइब्रेंट नहीं है। ये बिल्कुल अच्छा सा एक सटल सा कलर है। मैं आपको इसके बाद पिक्चर शेयर करूँगी या फिर बाहर जाकर कुछ बनाऊँगी व्लॉग का कोई पार्ट, तो आप वहाँ देख लेना। ये लिप्स इतने ज़्यादा वाइब्रेंट जो लग रहे हैं ऐसे नहीं है। तो बस ये थी मेरी, ये था रेडी जो मैं हो गई हूँ वहाँ जाने के लिए फटाफट 10 मिनट से भी कम टाइम में। एंड ज़्यादा कुछ मैं अप्लाई करना पसंद नहीं करती फेस पे, नेचुरली ही अच्छा लगता है। तो दैट्स इट, ये है फाइनल लुक। देखें आप, ये भी अभी रूम के अंदर है, बाहर वाली दिख जाएगी आपको अभी। तो बस रेडी होने के बाद हम निकल लिए इनके फ्रेंड के घर पे, जहाँ हम सबका प्लान था आने का। अब देखिए रास्ते में जाते हुए ये पोर्शन मुझे कवर करना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि ये फ्लाईओवर है जो हमारे यहाँ बना हुआ है एंड इसके नीचे आप देखें कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं। अब क्योंकि गाड़ी बहुत तेज़ चल रही थी तो मैं एक एक पेंटिंग को ले नहीं पाई, अदरवाइज़ ये जो पोर्शन है ये बहुत अच्छा लगता है, इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। मैंने बहुत सारे सिटीज़ में ट्रैवल किया है, मैंने किसी भी फ्लाईओवर के नीचे इतनी अच्छी पेंटिंग्स नहीं देखी हैं। तो हमारे जम्मू की पूरी वॉल्स आप देखें अगर मेन सिटी की, और ये फ्लाईओवर की पेंटिंग्स आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि कितना आर्ट है हमारे जम्मू कश्मीर में। एंड ये है हमारी फेमस बावे वाली माता का टेंपल जो पुल से हमें नज़र आता है, एंड इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर आप कहें तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी कभी। तो ये पुल से दिखता है और जो भी आने जाने वाला हम सब यहाँ वर्शिप करते हैं इनको। अब ये है हमारे सिटी का प्रॉपर सिटी जो है जहाँ से उनका घर आएगा। अब पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर आज देखें, ऑल दो ट्रैफिक पुलिस हमारी बहुत अच्छे से करती है मैनेज सब कुछ, तो हम भी यहाँ से गए हैं एंड अभी जाकर हम आगे लगा देंगे गाड़ी। तो हम पहुँच गए हैं सिटी मोहित के फ्रेंड के घर पे, अभी घर आया नहीं है, आ जाएगा अभी। तो बस वो लोग पार्क कर रहे हैं यहाँ, गाड़ी लगाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो लोग पार्क कर रहे हैं, और मैंने सोचा काफ़ी देर वेट किया, मेरे को लगा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ खुद ही। तो खुद ही जा रही हूँ मैं, अभी वो लोग आ जाएंगे, पीछे आ रहे हैं, देखो नहीं आ रहे तो अभी आ जाएंगे। तो बस मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही गई हूँ, तो आगे वाला बताती हूँ आगे। गाइस ये है हमारी काइट्स जो हम उड़ाएंगे आज, देखें आप ये देखें, चलो लड़कियों फिर देखें ये, वाव रुको ना एक मिनट, फिर देखें ये, वाव वाह वाह वाह, वो छोटी काइट्स भी इन्होंने लाई है, मम्मी काइट्स भी लाई है, अच्छा, ये वो है। एंड बहुत सारी काइट्स लाए हैं, ये सारी काइट्स हमने उड़ानी, देखो कितनी काइट्स हैं हमारे पास, ये सारी काइट्स हमने उड़ानी हैं। एंड हमेशा की तरह काइट्स के ऊपर मैं लिखती हूँ कुछ न कुछ, तो आज भी लिखेंगे हम। ये हॉट एयर बैलून कुछ वो लाए हैं हमने, कैंडल सॉरी,
कैंडल्स लाई हैं हमने, ये वो जलाएंगे हम। वाओ रख दो साइड पे इसको। तो कौन सी काइट सिलेक्ट हुई अभी? ये वाली काइट सिलेक्ट हुई है, ये काइट उड़ाई जाएगी अभी। तो ये काइट्स मैं उठा के ले रही हूँ, थोड़ी वो लेके जा रहे हैं। चलो तो काइट में पड़ रही है तला में, देखें आप। ये सारी काइट्स हम उड़ाएंगे एंड थोड़ा सा आपको व्यू दिखाती हूँ मैं यहाँ का, देखें आप। ये है हमारी रील जिससे हम काइट उड़ा रहे हैं, और देखिए मोहित काइट उड़ा रहे हैं। मोह कहाँ गई हमारी काइट? वो है हमारी काइट, और पता नहीं क्यों हमारे पास कोई बेचा लगाने नहीं आ रहा है। तो अब हम सीखेंगे तला में कैसे डालनी है। तो ये देखो मैंने डोर को डबल कर दिया यहाँ से, और हमने काइट के बीच में ये देखो पहले ही जगह बना दी है। मोहू इधर से डाल रही थी, कहाँ से ये साइड अंदर होती थी ना, बाहर होती थी। ये देखो देखो पास से लाना बेटा, यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से डोर है ठीक है। और इसको हम यहाँ से साबर वाला, बहुत मुश्किल आते आ रही है मुझे, पर कोई नहीं हम कर लेंगे। देखें आप ठीक है, साबर होते हैं इसको लगाएंगे नॉट साबर। ये देखिए यहाँ से हमने इसको दोबारा गांठ लगाई है, तलाम ठीक है। ये अभी तलाम ना तलाम नहीं पड़े, तलाम तू कर जा के एक रात को कर तलाम फिर पीछे से रही है हमारी गुड्डी तलाब में से कट जाएगी। थोड़ा काम कर दी हैंडपुल मैंने इतनी मिला डोटी डोटी नहीं दिल की डोटी गली गली में चोर है। देखिए भैया हमारे फ्रेंड्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये काइट के ऊपर मैंने लिखा है, एंड ऐसा कुछ ज़रूर लिखते हैं हम लोग काइट्स पे, एंड उसके बाद इनको उड़ाते हैं। एंड बहुत फीलिंग्स जुड़ी होती हैं हर चीज़ के साथ, हमारी हर इंसान की जुड़ी होती हैं, पर हम हर चीज़ में अपना स्पेशल टच ज़रूर देते हैं। तो इस पे भी हमने ऐसे ही ये लिख दिया है, बड़ा मज़ा आता है यार कभी तुम भी काइट उड़ाओगे और ऐसे लिख कर ज़रूर उड़ाना। एक बहुत ना अंदर दिल को बहुत शांति सी मिलती है ऐसा करने पे। बड़े तो हम जितने मर्जी हो गए हैं, पर हैं सबके सब बच्चे अभी भी। ऑल दो हम लिखने के लिए मार्कर यूज़ करते हैं, पर मिला नहीं तो एक इसका स्केच पेन ही चल गया, उसी से कर दिया काम। स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये ऐड हुआ है, ओ गैया हैशटैग, एंड यहाँ मैंने ये भी लिखा है दफा हो, एंड ये इमोजी बनाई है, एंड गली गली में शोर है,
काइट पकड़ने वाला किधर गया, चोर है। एंड इसके यहाँ से भी एक दांत गायब, यहाँ से दो गायब किए मैंने, और यहाँ हो गई है भी लिखा है। ठीक है, अब हम इसको उड़ाएंगे। इसी के साथ हमारी काइट तो उड़ते हुए आसमान को छूते हुए, तो ये काइट हमारी अब उड़ने लगी है। नॉट करेंगे इसको, एंड अभी देखें ये कितने लोगों की काटेंगे। एंड इसको प्राप्त करने वाला एक बहुत लकी ही यू नो एक लकी किस्म का इंसान होगा जो इस गुड्डी को प्राप्त करेगा। गाइस ये देखें, गुरप्रीत ने चटनी बनाई है, साथ में चिप्स एंड साथ में खीरे खा रहे हैं हम। एंड वहाँ वो लगे हुए काइट उड़ाने के लिए, रोक दिया था व्लॉग बीच में, मुझे पता था ये पीछे से जरूर कुछ बोलेंगे। तो तेरे देसी वो ये फॉलोअर ऐसे करके खानी, ये देखें ऐसे खाना है ये। देखें मिलो मेरे तो आंतक ही खत्म। फ्रूट सैलेड बनाया है गुरप्रीत ने, गुरप्रीत की हालत बड़ी खराब होगी इस टाइम गर्मी में, पर चलो उसने फिर भी हमारे लिए फ्रूट सैलेड इतने प्यार से बनाया, इसको हम जरूर खाएंगे। आओगे या जाओगे बोलो कितने। एक और काइट। एंड देन उसके बाद ली हमने छोटी सी ब्रेक, एंड हमने की पिज्जा पार्टी एंड कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ कोर्स साथ में, एंड सबने मिलके बैठ के एक साथ पे इंजॉय किया। एंड हमेशा की तरह जब भी मैं व्लॉगिंग कर रही होती हूँ ये पीछे से जानबूझ के पंगे लेते हैं और कुछ कुछ बोलते हैं सारे फ्रेंड्स मेरे, सुनो अभी। एंड फाइनली हमारा ये कैंडल वाला ये बैलून रेडी है, एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको उड़ाने के लिए आसमान पे, एंड देखिए सब एक्साइटेड है। एंड ये फिनिश किया हमने अपना राखी वाला डे ये सब करके लास्ट में, एंड जब उड़ गया वो तो बहुत खुशी हुई हमें। एंड देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एंड ऐसे बहुत सारे हैं जो उड़ रहे थे इस वक्त आसमान में, एंड सब मैं कवर नहीं कर पाई, बहुत दूर दूर थे, फिर भी मैंने पिक्चर्स ली हैं। मैंने बड़ा सही ब्लॉग बना इसका, टॉप क्वालिटी का ब्लॉग बना इसका। कोने में रखना नीचे नहीं फेंकना। भैया मेरे चल गई सितारे नीचे, सितारे छोड़ दे। तो चांद भी बहुत सुंदर चढ़ा है आप देखें, तो बस हम अभी मैं क्लोज करूंगी इस ब्लॉग को, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कर्फ्यू के रहते इतने ज़्यादा नहीं है लोग। राखी का ब्लॉग जो खत्म कर दिया। ओके बाय एवरीवन, ये था राखी का ब्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया एक छोटा सा, एंड अभी हम निकलेंगे घर के लिए, एंड बस चाहिए घर। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी ये ब्लॉग जल्दी ही, बहुत जल्दी। एंड तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर, सी यू। एंड घर आते वक्त ऑफ कोर्स हमारे वो जो पुल है, ब्रिज है, उसके ऊपर से जो टेंपल दिखता है मैंने आपको बताया था, बहुत सुंदर लगता है। और जब फुल मून नाइट होती है तो चांद बिल्कुल ऊपर होता है इसके मंदिर के। एंड देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है ये रक्षाबंधन पे, पूरा जम्मू शहर हमारा बहुत ब्यूटीफुल है, कभी आए ज़रूर देखने के लिए, एंड बहुत ब्यूटीफुल लगता है मुझे तो अपना शहर। तो ओके देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।